नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जहां रजैदी, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ। मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आज का विषय है संचार माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का महत्व। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल दो शब्दों के मेल से बना है। ई डैश मेल से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक, जबकि मेल का हिंदी पर्याय है डाक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्वत के वेग समान भेजी जाने वाली डाक इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल कहलाती है। आज कंप्यूटर के दौर में ईमेल के द्वारा ऑनलाइन पत्र भेजे जाते हैं। ऑनलाइन भेजे जाने वाले पत्र पलक झपकते ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन पत्र या ई पत्र कहलाता है। ऑनलाइन पत्र भेजने के लिए प्रेषितों दोनों के पास डिजिटल दस्तावेजों, वीडियो इत्यादि की अटैच संलग्न करके किसी दूसरे ईमेल पते पर भेजा जा सकता है तथा प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में सैकड़ों वेबसाइट है जो ईमेल आईडी बनने की सुविधा उपलब्ध कराती है। जो मेल याहू, रेडिफ मेल, हॉट मेल इत्यादि कहा जाता है। ईमेल आज जीवन में प्रतिदिन के कार्यों में वे एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने हेतु ईमेल की महत्वता बढ़ाई जाती है तथा तुरंत आवश्यकता होती है। कंपनी के उत्पादनकर्ता का ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं के साथ साथ संबंध स्थापित करने के लिए ईमेल की आवश्यकता होती है। उपयोगिता शीघ्र ही कंपनी की को उत्पाद से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया जाता है तथा अपने सुझाव भी दे सकते हैं। माउस के एक क्लिक से अपनी शिकायतों, समस्याओं का नियंत्रण, शुभकामनाओं से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए ईमेल एक सुविधाजनक संचार पद्धति है। इसके माध्यम से बिना किसी असुविधा के दुनिया के किसी भी कोने में बैठे ईमेल के द्वारा कम खर्च एवं कम समय में संदेश पहुंचाया जा सकता है तथा प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल के सरल व संचार का माध्यम होने के कारण आज ईमेल की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईमेल एक प्रभावी साधन के रूप में माना जा रहा है। विज्ञापन की दुनिया बड़ी रंग रंगीली तथा अद्भुत हो गई है। ये सभी को लुभाती है, आकर्षित करती है। इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान युग विज्ञापन युग के रूप में जाना जाता है। आज विज्ञापनों के बल पर भू बल भू विज्ञापनों के बलबूते पर ही उत्पादक अपने माल का प्रचार करके भारी लाभ अर्जित कर रहे हैं। यहाँ तक कि गुणवत्ता में खरा न उतर पाने वाले उत्पादक भी खूब बिक रहे हैं। यह सब विज्ञापन कला का चमत्कार है। विज्ञापनों ने हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञापनकर्ता ही यह तय करते हैं कि हम क्या खाएं, क्या पहने, कौन सा
टूथपेस्ट प्रयोग करके किस साबुन से नहाएं, सुबह से लेकर शाम तक रात्रि सोने तक सारे क्रियाकलाप विज्ञापनों द्वारा ही संचालित होते हैं। विज्ञापनों के प्रभाव से हम चाह कर भी बच नहीं सकते हैं। विज्ञापनों का एक लाभ तो यह है कि इससे नए उत्पादकों को बाजार में उतारते हैं। अनेक बार विज्ञापन के माध्यम से दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसका अपना महत्व है। ये एक सशक्त माध्यम भी बन चुका है। विज्ञापनों से हमें सही चीज़ के चुनाव में सहायता मिलती है, लेकिन विज्ञापनों की लुभावनी भाषा के आकर्षण से मुक्त रहकर स्वाविवेक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विज्ञापन ने युवा पीढ़ी को बहुत प्रभावित किया है। इनसे अधिकांश उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी अधिक दर्शाया जाता है। उन पर रूप आकर्षण का जाल जल्दी फैलता है। वे वास्तविकता पर कम ध्यान देते हैं, काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं, ऐसी स्थिति को ही सम्मान करते हैं। उत्पादनकर्ता ऐसी ही मन स्थिति बनाकर चाहते हैं कि हमारे नवयुवक एवं नवयुवतियां विज्ञापनों के प्रभाव में आकर नित्य नए फैशन को अपनाने लगते हैं। इसके लिए परिवार आर्थिक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। विज्ञापनों में हम चारों तरफ से घिर जाते हैं। इसके घेरे से बाहर निकलना आसान नहीं लगता है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु का विज्ञापन बनाकर ही रहती है। हेयर ऑयल खरीदो, साबुन मुफ्त का विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार हेयर का किया जाता है। सिरदर्द होने पर डिस्प्रिन खाइए, पर पेट खराब हो जाता है तो इनो पीजिए। साबुन के तो इतने आकर्षक विज्ञापन हैं, किस विज्ञापन में सच्चाई है? सब एक से एक बढ़कर हैं। खाद्य और पेय पदार्थों में से नारी को इतने ग्लैमर रूप में दिखाया जाता है कि यहाँ तक जिन चीज़ों का संबंध स्त्री से नहीं है, वहाँ भी उसी का प्रयोग विज्ञापनों की दुनिया रंग बिरंगी कर देते हैं तथा अनोखी है। अब तो लोगों ने इन विज्ञापनों को रंग भीतर ही भीतर छोड़ दिया है। अपने बच्चों को भी विज्ञापन की तरफ से ध्यान देने को कहते हैं। विज्ञापनों की आधी दौड़ से कम रखना ही चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।